के नतीजे 11 मार्च को आने हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद है। इन मशीनों को स्टोरेज रूम में पूरी सुरक्षा के तहत रखा गया है और तो और पार्टी के वर्करों की ओर से स्टोरेज रूमों के रख रखाव के लिए बाहर टेंट लगाकर निगरानी भी की जा रही है। मलोट और लंबी हलके पर पूरे पंजाब की नज़र टिकी हुई है। इन हलके की ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियों की ओर से पूरी निगरानी की गई है। बेशक पुलिस की ओर से इन ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के वर्करों की ओर से अपने तौर पर बाहर टेंट लगाकर अपना कैमरा लगाकर पूरी नज़र रखी जा रही है। एक पास इन मशीनों की निगरानी के लिए प्रशासन की ओर से पूरी नज़र है, दूसरी तरफ पार्टियों के वर्करों की ओर से भी पूरी नज़र रखी जा रही है, जिनका कहना है कि बाहर टेंट लगाकर वे अपना कैमरा लगाकर मशीनों पर पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं। क्योंकि देश के हालातों के मुताबिक जड़ियाँ है पूंजीवाद है वो कुछ भी हरकत कर सकता, क्योंकि इन दोवें पार्टियां ने जिहड़ियां विरोधी पार्टियां उन्होंने ऐ लग रहा है भी हुण एक आम आदमी जाग चुका है ते इहनू सत्ता दे विच आउण तों रोकण वास्ते कोई भी हरकत कर सकता ते आपदे पैसे की ताकत नाल जां सेंटर की ताकत नाल कुछ भी करके सानू एक हैगा भी हो सकता भी जिहड़ी लोकतंत्र दा कान हो जाए ते लोकां दी जिहड़ी आवाज़ नूं बदल सकदे अपने गलत दिमाग दे नाल गलत सोच दे नाल। असीं जी सामने साढ़े स्ट्रोंग रूम है जिथे मशीनां पईआं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਚ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਐਜ ਪਰ ਦਾ ਨੋਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਦਰਵਾਹਾ ਸੇ ਜਾਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਸੋਨੀ ਢੱਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।